नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सप्लायर यूट्यूब चैनल। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ओप्पो रेनो 8 प्रो 5G फोन का। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ इसके एक वेरिएंट का हम लोग गिवे भी करने वाले हैं। तो अगर आप इस फोन को गिवे में जीतना चाहते हैं तो आप सारे स्टेप्स को फॉलो कर लीजिएगा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताए गए हैं। और साथ ही साथ आप लोगों के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको ओप्पो रेनो 8 प्रो 5G फोन यहाँ पे कितनी बार लिखा गया इस वीडियो में यहाँ पे काउंट करके आप लोगों को बताना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कमाल के फीचर्स इस फोन में दिए गए हैं और क्या वाकई में फोन जो है अपने पुराने फोन से अपग्रेडेड वर्जन है या नहीं। तो ये हमारा ओप्पो रेनो 8 प्रो का बॉक्स, फटाफट से इसकी पन्नी को हम हटा लेते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि फोन का बॉक्स यहाँ पे आपको कलर जो है ब्लू दिया गया है। फोन के ऊपर में रेनो 8 प्रो मेंशन किया गया है, यहाँ पे 5G भी मेंशन है। यहाँ पे बॉक्स काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं कि दूसरी साइड में भी रेनो 8 प्रो 5G लिखा हुआ है। बॉक्स अनबॉक्स करते हैं, हमें ऊपरी साइड में एक लीड मिलता है, इसको हटा लेते हैं। ऊपर साइड में फोन है, फोन को भी निकाल करके साइड कर लेते हैं। वहीं नीचे चार्जर देखने को मिलता है। बात की इसकी लीड की तो इसमें टीपीयू केस मिलता है, स्टार्ट गाइड और यहाँ पे क्विक और सेफ्टी गाइड दोनों मिल जाते हैं। यहाँ पे दो दो गाइड दिए गए हैं। आपको सिम लिक्टर टूल दिया गया जो कि इमोजी टाइप में दिया गया है। वहीं पर ट्रांसपेरेंट केस जो है काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे पतला काफ़ी दिया गया है। बात कर दिया चार्जर की, इसमें आपको 80 वाट का चार्जर मिल जाता है देखने को, जो कि यहाँ पे डार्ट चार्जर है। यहाँ पे देख सकते हैं चार्जर काफ़ी बड़ा है, सुपर बुक चार्जर है। और यहीं बात की जाए इसके केबल की, तो यहाँ पे केबल देख सकते हैं काफ़ी अच्छा केबल है, टाइप सी केबल दिया गया है और केबल की ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो इन सबको रखते हैं साइड में और हम अपने फ़ोन को देख लेते हैं। तो है हमारा फ़ोन, इसके प्लास्टिक रैपर को हटा लेते हैं और देख सकते हैं कि फ़ोन का लुक काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा डिस्प्ले दिया गया है फ्रंट साइड से, देख सकते हैं। इसके बैक साइड की डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव है, नीचे में भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छी चीज़ है। ग्लोसी मेटल की यहाँ पे आपको फिनिश देखने को मिल जाती है, कैमरे बम्प्स देखने को काफ़ी अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। ऊपर में भी आपको आयर ब्लास्टर देखने को मिल जाता है। साइड में आपको वॉल्यूम का बटन देखने को मिलता है जो कि दो सेट्स में कटा हुआ है। यहाँ पे आपको पावर बटन देखने को मिल जाता है राइट साइड में और यहाँ पे दो सेट्स ऊपर के साइड भी कटे हुए हैं। फ़ोन को ऑन कर लेते हैं और फ़ोन को थोड़ा सेटअप कर लेते हैं। तो हमारा सेटअप हो चुका है कंप्लीट और यहाँ पे फ़ोन खुल करके आ चुका है, देख सकते हैं काफ़ी फ़ोन एकदम बहुत ही क्रिस्टल क्लियर चल रहा है। यहाँ पे फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे सेटिंग में चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन दिया गया है। वैसे यहाँ पे मुझे लगता है कि एंड्रॉइड 12 ही दिया गया होगा। यहाँ पे जैसे आप रैम एक्सपेंड कर सकते हैं अलग से, अगर आपको रैम की जरूरत पड़ी तो इसमें आप यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो एंड्रॉइड 12 का दिया ऑप्शन दिया गया है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अच्छे तरीके से काम करेगा। इस फोन में आपको काफ़ी कमाल के कैमरे मिलते हैं जो कि तीन कैमरे यहाँ पे दिए गए हैं। 50 मेगापिक्सल का यहाँ पे मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे दो कैमरे दिए गए हैं। वहीं पर आपको एक LED फ्लैश देखने को मिलती है। इसके फ्रंट साइड में आपको 32 मेगापिक्सल का यहाँ पे AI सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जो कि फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है यह फ़ोन। और भी बात की जाए इसके हम लेफ्ट साइड की, तो यहाँ पे आपको पावर बटन दिया गया है जो कि काफ़ी फास्ट काम करता है यहाँ पे फ़ोन को बूट करने में। और भी बात की जाए इसके हम लेफ्ट साइड की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे वॉल्यूम की जो कि दो सेट्स में कटा हुआ है। वहीं इसके ऊपर में आपको नॉइज कैंसिलेशन माइक और यहाँ पे सेकेंडरी यहाँ पे स्पीकर देखने को मिल जाता है। वहीं इस फोन के निचली साइड में आपको देखने को मिल जाता है सिम कार्ड ट्रे, वहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा स्पीकर ग्रिल टाइप सी और यहाँ पे आपको एक फर्स्ट माइक देखने को मिल जाता है। यह फ़ोन आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे इस फोन में। और देख सकते हैं कि यहाँ पे टच करने के बाद फटाक से यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही फास्ट खुल रहा है, लेकिन यहाँ पे बता सकते हैं कि यह फ़ोन काफ़ी फास्ट है। वैसे आपको इसमें फेस अनलॉकिंग का भी फीचर देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है, तो यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे आसानी हो जाती है। काफ़ी सुपर कैमरे के साथ ये फोन आता है। यहाँ पे कैमरा जो है तीन कैमरे यहाँ पे दिए गए हैं, जो इसका मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल, लेकिन जो कैमरा है काफ़ी सुपर दिया गया। यहाँ पे आपको कैमरे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वीडियो है यहाँ पे रेनो 8 प्रो से शूट किया जाता है और यहाँ पे जो 8 प्रो है रेनो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के वीडियो शूट करता है। यहाँ पे पिक्चर्स भी हैं, काफ़ी अच्छे स्मूथ आते हैं पिक्चर्स। यहाँ पे इसके कलर्स भी देख सकते हैं, काफ़ी यूनिक कलर्स आ रहे हैं। फ़ोन वैसे अट्रैक्टिव डिज़ाइन में तो आता है, लेकिन इसका जो कैमरा है सबसे सुपर कैमरा है। कैमरे के लिए फ़ोन वैसे तो ओप्पो का जाना जाता है, लेकिन इस फ़ोन का कैमरा काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट की गई है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अल्ट्रा वाइड में भी पिक्चर्स की क्वालिटी काफ़ी शानदार आती है। ऐसे नॉर्मल फोन में अल्ट्रा वाइड में पिक्चर्स की क्वालिटी थोड़ी डल हो जाती है, लेकिन इस फोन में आपको काफ़ी सुपर कैमरा देखने को मिलता है जो कि आपको अल्ट्रा वाइड मोड भी काफ़ी शानदार पिक्चर्स क्लिक कर लेता है। देख सकते हैं काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छे पिक्चर्स हैं। आउटडोर में अगर आप शूट करते हैं, यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, यहाँ पे काफ़ी हाई रिफ्रेश रेट है, तो यहाँ पे जो कैमरे की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी आती है। यहाँ पे शटर स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाती है इस स्मूथनेस के कारण। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको 20x जूम करने के बावजूद भी यहाँ पे पिक्चर्स कुछ ज़्यादा नहीं फंसती हैं, यानी कि ज़्यादा पिक्चर्स फट नहीं रही हैं। इस फोन का माइक्रो कैमरा भी काफ़ी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करता है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स के साथ यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करी जा रही हैं। बात करते हैं इस फ़ोन के हम यहाँ पे प्रोसेसर की,
तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने BGMI शुरू कर लिया है और यहाँ पे जो कि इसका प्रोसेसर है MediaTek Dimensity 8100 यहाँ पे प्रोसेसर दिया गया है जो कि काफ़ी सुपर फास्ट और काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है। यहाँ पे 5G सपोर्ट करता है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको HDR प्लस की यहाँ पे सपोर्टिंग मिलती है। आप अल्ट्रा HD में भी इस गेम को खेल सकते हैं लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिल रहा है। देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ प्ले हो रहा है। यहाँ पे जो इसका रिफ्रेश रेट है काफ़ी हाई दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया गया है तो काफ़ी स्मूथली यहाँ पे गेम्स प्ले हो जाते हैं। वहीं पे आपको 6.7 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। तो यहाँ पे इस पे डिस्प्ले की खासियत बहुत ही या ज़्यादा है। यहाँ पे आपको कोई भी समस्या नहीं मिलती है। आउटडोर में भी अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे डिस्प्ले भी काफ़ी शानदार दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको समझ सकते हैं अगर आप फोन यूजर हैं तो एमोलेड डिस्प्ले की खासियत क्या होती है। वैसे में भी इसमें हाई रिफ्रेश रेट है और यहाँ पे आपको 6.7 इंच की यहाँ पे डिस्प्ले दी गई है। इसका जो प्रोसेसर है वो 5 नैनोमीटर पर बेस्ड है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा वर्क करता है और काफ़ी बैटरी लो यहाँ पे बहुत ही कम समस्या देखने को मिलती है बैटरी की, यानी कि बैटरी बहुत ही कम खर्च होता है। वैसे बैटरी इसमें आपको थोड़ी सी कम देखने को मिल जाती है, 4500 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन आपको यहाँ पे 80W का सुपर वोक चार्जर मिल जाता है तो काफ़ी फास्ट बैटरी को चार्ज कर देता है। वहीं आपको रैम और स्टोरेज की यहाँ पे इसको समस्या देखने को नहीं मिलेगी। काफ़ी अच्छी रैम यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है। अगर आप चाहें तो आप इसमें अलग से यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि रैम को ही आप, यानी कि अपने मेमोरी कार्ड को ही आपका रैम के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे कैमरे भी काफ़ी कमाल के हैं और फ्रंट कैमरा में भी आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट जैसी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गेम काफ़ी स्मूथ चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स हैं काफ़ी अच्छे निकल करके आ रहे हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी दी गई हैं। वहाँ पे आपको एंड्रॉयड 12 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है। आपको कलर OS जो है 12.1 दिया गया है इस ओप्पो में। तो दोस्तों देख सकते हैं इस फोन में गेम काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रहा है। यहाँ पे कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे जो 120 हर्ट्ज़ वाला रिफ्रेश रेट है इस फोन को वाकई में काफ़ी शानदार और काफ़ी स्मूथ बनाता है। यहाँ पे गेमिंग के मामले में फ़ोन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे आप पबजी खेल रहे हैं, BGMI या फिर यहाँ पे अस्फाल नेटवर्क गेम खेल रहे हैं, काफ़ी सारी यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं पुराने फ़ोन से। वैसे पुराने फ़ोन में भी काफ़ी कुछ चीज़ें खास दी गई थी लेकिन इस फ़ोन में वाकई में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको इम्प्रूव कर दी गई हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप लोग इस वीडियो में देख करके इस फोन को जीतना चाहते हैं तो आप सारे स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा भी इसको शेयर कीजिए। और जल्द ही इस फोन का गिवअवे रिजल्ट निकाला जाएगा और यहाँ पर बताया जाएगा कौन सा व्यक्ति है जो कि इस फोन को जीत पाया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।